आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए काम की खबर, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने बदल दिया है पुराने नियम, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा तंबाकू बेचना नहीं होगा आसान, एक अप्रैल से बदलेगा नियम, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आईआरसीटीसी ने रेलवे स्टेशनों पर शुरू किए हैं नए सर्विस, अब क्यूआर कोड स्कैन कर सकेंगे टिकट, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, वही कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हैं बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़े और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, व्हाट्सएप ने भारत में बैन किए हैं 18 लाख से भी अधिक अकाउंट्स। व्हाट्सएप ने मंगलवार को कहा है कि उसने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में जनवरी महीने के अंदर कुल 18,58,000 से अधिक खातों को प्रतिबंधित यहाँ पर किया है। वह कंपनी ने कहा है कि उसे देश में एक ही महीने में यहाँ पर 495 शिकायतें यहाँ पर मिली थी, उसमें 24 पर यहाँ पर जनवरी में कार्रवाई यहाँ पर की गई है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि आईटी नियम 2021 के अनुसार हमने जनवरी 2022 के लिए अपनी 8वीं मासिक रिपोर्ट प्रकाशित यहाँ पर की है। वही प्रवक्ता ने कहा है कि जैसा कि यहाँ पर नवीनतम मासिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, वही व्हाट्सएप ने जनवरी में 18 लाख से भी अधिक अकाउंट्स को यहाँ पर बैन किया है। 18 लाख से भी अधिक अकाउंट्स के ऊपर प्रतिबंध यहाँ पर व्हाट्सएप ने लगाया। वही कंपनी ने कहा है कि सजा किए गए डाटा में व्हाट्सएप द्वारा 1 से लगाकर 31 जनवरी के बीच दुरुपयोग का पता लगाने के दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रतिबंधित भारतीय खातों की संख्या पर प्रकाश यहाँ पर डाला गया है, जिसमें इसकी रिपोर्ट फीचर के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से प्राप्त नकारात्मक प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाई भी इसमें शामिल है। बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन बहाल को लेकर केंद्र सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी खुशखबरी यहां पर मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर लंबे समय से चल रही आ रही कर्मचारियों की मांग पर विचार कर रही है, इससे कर्मचारियों की भी उम्मीद यहां पर जग उठी है। दरअसल सरकार ने कानून मंत्रालय से पेंशन जो पुरानी पेंशन योजना उसको लेकर यहां पर फिलहाल जो राय है वो यहां पर मांगी है। वह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में यहां पर राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार पुरानी पेंशन मुद्दे पर कानून मंत्रालय से यहां पर राय मांगी गई है। मंत्रालय का जवाब आने का इंतजार है, इसके बाद इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आईआरसीटीसी ने रेलवे स्टेशनों पर शुरू की है नई सर्विस, अब क्यूआर कोड स्कैन कर खरीद सकेंगे ट्रेन टिकट। भारतीय रेलवे की सब डेयरी आईआरसीटीसी ने यहाँ पर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई सर्विस शुरू की है। दरअसल आईआरसीटीसी ने डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर पेटीएम के साथ मिलकर डिजिटल टिकटिंग की सुविधा यहाँ पर शुरू की है। दरअसल यात्री ऑटोमेटिक टिकट वेटिंग मशीनों यानी ATVM के माध्यम से टिकट अब खरीद सकेंगे। ये पहली बार है जब भारतीय रेलवे रेलवे यात्रियों के बीच कैशलेस को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए ATVM पर UPI के जरिए टिकट सेवाओं के लिए डिजिटल रूप से भुगतान करने का विकल्प प्रदान कर रहा है। ये भारत के रेलवे स्टेशनों पर ATVM मशीनों पर पहले ही यहाँ पर लाइव हो चुका है। वह रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए ATVM टच स्क्रीन आधारित टिकटिंग क्यूसक है जो यहाँ पर यात्रियों को स्मार्ट कार्ड के बिना डिजिटल भुगतान करने की अनुमति देता है। वह यात्री स्क्रीन पर जनरेट QR कोड को स्कैन करके अनारक्षित ट्रेन यात्रा टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट और यहाँ पर दूसरे जो भी सुविधाएं रेलवे स्टेशन में होती है वो यहाँ पर इसे कर सकेंगे और अपने यहाँ पर सीजनल टिकटों को रिन्यू यहाँ पर कर सकेंगे और स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज भी इसमें कर सकेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो झारखंड में तंबाकू बेचना अब नहीं होगा आसान, एक अप्रैल से बदलेगा नियम। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में 1 अप्रैल से बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जा सकेगी। राज्य के सभी शहरी और स्थानीय निकायों में तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंसिंग प्रक्रिया अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद नगर विकास विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से इस संबंध में आदेश यहाँ पर जारी किया जा चुका है। वही इसमें कुछ नए और शर्तें जोड़ी गई है, जिसमें यहाँ पर तंबाकू की दुकानों पर नहीं बिकेंगे अन्य पदार्थ। वही जिन दुकानों के पास तंबाकू उत्पाद का लाइसेंस होगा वे टॉफी, कैंडी, चिप्स और बिस्किट पाए पदार्थ या फिर किसी तरह का कोई भी फूड का आइटम की बिक्री
नहीं कर सके, यानी उनके ऊपर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वे नगर विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू है उसको बेचते हुए अगर पकड़ा गया तो उसे 7 साल की सजा भी हो सकती है, साथ ही 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी यहाँ पर वसूला जाएगा। वही बात कहते हैं अगली खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे लोगों के लिए काम की खबर। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने बदल दिए हैं पुराने नियम। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर एक जरूरी खबर है। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने पुराने जो नियम है उनमें बदलाव कर दिया। इसके तहत अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO के चक्कर यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दरअसल केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों का बहुत ही आसान कर दिया है। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में सरकार ने संशोधन कर दिया है। वे नए नियमों के मुताबिक आपको किसी तरह की कोई भी ड्राइविंग टेस्ट RTO जाकर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों को नोटिफाई किया है। ये नियम दिसंबर से ही लागू हो चुके हैं, यानी अगले साल यानी 2021 के दिसंबर महीने में यही लागू हो चुके हैं। इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो है वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO की वेटिंग लिस्ट में जो पड़े हैं उन्हें अब राहत मिलेगी। वह मंत्रालय की ओर से उन सभी एप्लीकेटर्स को यहाँ पर सूचित किया गया है जो अभी ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए RTO में अपना टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। वे अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी अपने शहर की मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं। वही उन्हें ड्राइविंग यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी, वहाँ पर टेस्ट पास करना होगा। वह स्कूल की ओर से एप्लीकेटर्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर ही एप्लीकेट्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना दिया जाएगा। वही ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से कुछ गाइडलाइन और शर्तें भी है, जिसमें यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स के क्षेत्रफल को लेकर ट्रेनर की शिक्षा तक शामिल है। इसमें कई तरह की यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 7,554 नए केस। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। वही देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,554 नए मामले सामने आए हैं। वही 223 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। वही एक दिन पहले यहाँ पर 6,915 नए केस सामने आए थे, 180 लोगों की मौत हुई थी, यानी कल की तुलना में आज मामले जो है बढ़े हैं। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव केसों की संख्या 85,000 के आसपास है। वही इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 5,14,000 से ज्यादा हो गई। वही आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,23,38,700 के आसपास लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वही दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों की संख्या 344 रही है। वही 4 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वही संक्रमण दर यहाँ पर 0.80% रही है। वही स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 18,60,000 पार हो चुकी है। वही मरने वालों की संख्या भी यहाँ पर 26,000 के आसपास है। वही उनमें बताया गया है कि शहर में एक दिन पहले 42,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण यहाँ पर किया गया है। वही दिल्ली में कोविड के 258 मामले यहाँ पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर पहले यानी कल यहाँ पर सामने आए थे। वही किसी मरीज की मौत यहाँ पर नहीं हुई, यानी मामलों में मौतों के मामले में दिल्ली में फिलहाल जो राहत वाली खबर है वो निकल कर आ रही है। यानी फिलहाल कोरोना के नए मामलों में यहाँ पर दिल्ली में जो गिरावट का दौर है वो जारी है और दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। वही यहाँ पर पिछले 24 घंटों में संक्रमण के नए मामले 775 आए हैं। वही नए मामलों में यहाँ पर 104 नए ये जो ओमिक्रॉन संक्रमित जो ओमिक्रॉन वेरियंट है इसके सामने आए हैं। वही पुणे में 41 मामले पुणे में रिपोर्ट हुए हैं, मतलब 775 में ओमिक्रॉन यहाँ पर 41 यहाँ पर हुए हैं। विभाग ने बताया है कि 5 रोगियों की मौत के साथ मृतकों की संख्या भी यहाँ पर 1,43,000 से ज्यादा यहाँ पर हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर।